वेलकम टू एग्जाम एक्सेस साथियों, आज हम जानेंगे 11 तारीख के समाप्त हुए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पेपर के कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि वही 100% कट ऑफ आपकी रिलीज होगी। तो चलिए साथियों, चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि क्या अंतर होता है रूरल में और अर्बन में। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो रूरल होते हैं, टोटल सीट उसमें 80 और 40 का कॉम्बिनेशन होता है सीटों का। किसी किसी विद्यालय में 80 सीट होती है, किसी किसी विद्यालय में 40 सीट होती है। तो जिस विद्यालय में 80 सीट होती है या 40 सीट होती है, 75% रिजर्वेशन रूरल का होता है, यानी आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 75% सीट का हक रहेगा, और उसके बाद रहेगा 25% सीट अर्बन के लिए यानी शहरी के लिए। इसीलिए शहरी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें गर्ल्स का जो होता है, 33% गर्ल्स का रिजर्वेशन रहता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि फाइनली हमारा कट ऑफ है क्या। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यही बता दे रहा हूँ, यही फाइनल कट ऑफ आएगा, मैं एकदम उम्मीद और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए आपका फाइनली कट ऑफ क्या जाएगा, जनरल का रहेगा रूरल एरियाज में 91.25 से 100 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप अपना 100% समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गर्ल्स 90 से और 100 के बीच में है जनरल। ओबीसी 88 से 100 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है 100 में, तो आपका समझिए कि सिलेक्शन पक्का है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होगा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6 में। ठीक है, फिर अगर गर्ल्स की 86 से 100 के बीच में है ओबीसी वाली, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ सेम जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। उसके बाद करते हैं रूरल एरियाज में एससी के बारे में, 83 से 100 के बीच में बॉयज का रहेगा, तो 100% समझेगा, अपना डॉक्यूमेंट सब बना लेगा। दोस्तों अगली वीडियो हम डॉक्यूमेंट पे लेकर आएंगे, और आपका रिजल्ट कब तक आएगा इस पे लाएंगे दोस्तों, तो वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली हम 8 बजे करीब सुबह में अपलोड कर देंगे उसको। देखिए हम बात करते हैं एससी एरियाज में गर्ल्स के 84 से 100 के बीच में रहेगा, तो 100% समझिए पक्का आपका सिलेक्शन। और एसटी का अगर सिलेक्शन है 83 से 100 के बीच में अगर बॉयज का नंबर आता है, तो अपना सिलेक्शन पक्का समझे। उसी तरह से आता है एसटी 84 से 100 गर्ल्स का होगा। फिर हम बात करते हैं अर्बन की। दोस्तों अर्बन का थोड़ा सा कट ऑफ अधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पे 25% सीट उन लोग के लिए रहती है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका हो गया 92.5 नंबर से 100 के बीच में अगर बॉयज लाते हैं तो उनका सिलेक्शन पक्का है। उसी प्रकार 90.5 और 100 के बीच में गर्ल्स का आएगा, तो उनका भी सिलेक्शन पक्का रहेगा। उसी प्रकार बॉयज का 87.75 गर्ल्स के लिए, ईडब्ल्यूएस का 89.5 यानी अप्रोक्सीमेटली ओबीसी वाला ही रहेगा, एससी के लिए 87.50 बॉयज का नंबर, और उसके बाद गर्ल्स 84 से 100। देखिए दोस्तों अगर इसके बीच में आपका नंबर आता है ना, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का रहेगा। ठीक है, अब एसटी के लिए 86.75 और ये बॉयज का है, और उसी प्रकार गर्ल्स आएंगी 84.100 यानी 84 से 100 के बीच में अगर उनका नंबर आता है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे। दोस्तों अगली वीडियो डॉक्यूमेंट और आपका कब रिजल्ट आएगा उसको लेकर आएंगे हम सुबह में। तो चलिए दोस्तों मैं बता दूं आपको इससे पहले कि मैं 100% चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इतना नंबर लाए हैं आप लोग, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप लोग तैयार रहिएगा अपना हर एक डॉक्यूमेंट बनाकर। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।